तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आप सभी को एक ऐसे लोकेशन में लेके जा रहा हूँ आज, जहाँ पे मतलब हमारा आम का बगीचा है और मैं उसी को देखने जा रहा हूँ अभी। और आई होप यू गाइस, आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर में होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारा जो बगीचा है, आम का बगीचा, वहीं पे। तो चलिए चलते हैं वहीं पे और दिखाता हूँ मैं आप सभी को हमारा आम कैसा हुआ है। बहुत दिनों से गया भी नहीं हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना भाई लोग। तो चलो यार, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और अपना जो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसमें मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना जो वीडियो में जो मेरा आवाज़ आ रहा है उसको चेक करने के लिए रुका हुआ था, तो मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है। एक बार आप लोग मेरे को कन्फर्म करके बताना, है ना, कमेंट ज़रूर कर देना यार, जिससे मैं भी बेफिक्र रहूँगा, है ना। क्योंकि ऐसा होता था पहले, मैं जब हेलमेट में अपना जो मोबाइल कैमरा है उसको लगा के जब मैं बात करता था आप लोग से, तो मेरा जो आवाज़ है आप सभी को नहीं सुनाई देता था, है ना। और मैं आज प्रॉपर मोटो व्लॉग कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग को मेरा मोटो व्लॉग कैसा लगता है मेरे को बता देना भाई लोग, कॉमेंट ज़रूर कर देना। और भाई लोग कैसे हो यार, लॉकडाउन में क्या कर रहे हो सब अपने अपने घर में भाई लोग, एक बार कमेंट कर देना अपने भाई को, है ना। अभी का जो वीडियो आएगा इसी टाइप से आएगा, है ना। हम नए नए लोकेशन में जाएंगे, आप सभी को नए लोकेशन का दर्शन कराएंगे और फोटोज़ क्लिक वगैरह करेंगे यार। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे को कर लेना फॉलो। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आप सभी को एक बार बता भी देता हूँ, व्लॉग सेमंत करके सर्च करिएगा, आ जाएगा मेरा। तो हमारा जो मेन रोड था उसको छोड़ के मैं ऑफ रोड वाले में आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को अभी इसी रास्ते से जाना है। रास्ता यही है वहाँ जाने के लिए। मैं समथिंग सालों बाद आ रहा हूँ इधर, नहीं आया था, साल भर हो गया। ऐसे रास्ते में फ्रेंड्स ऑफ रोड करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यार। और मेरा बाइक तो क्या है, पूरा अभी ख़त्म है। ख़त्म कहने का मतलब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, शायद शो कर रहा होगा, 82,000 कुछ चल गया मेरा बाइक अभी तक। तो देख सकते हैं हम पहुंच रहे हैं करीब। ये देखिए हमारा आम का बगीचा जाने के लिए ऐसी रोड से होके जाना पड़ता है। सामने में जो बगीचा दिख रहा है आपको, आम का बगीचा, वही है हमारा बगीचा। और देख सकते हैं मैं एकदम से मेड़ में चला रहा हूँ अपना बाइक को, है ना। वहाँ जाने के लिए मेड़ से ही जाना पड़ेगा मेरे को।
तो ये देख लो भाई लोग, हमारे आम का बगीचा है ना, यही है हमारा आम का बगीचा। और चलिए थोड़ा सा करीब चलते हैं और फिर देखते हैं फला है या नहीं फला है। तो लो भाई, मैं अभी पहुंच गया हूँ हमारे आम का बगीचा में। देख सकते हैं यहाँ आम का बगीचा है हमारा, और यहाँ पे 6 पेड़ है, आम पेड़ है ना। और मैं अपने मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ आप सभी से। मेरा जो माइक जो था वो मैं अच्छे से नहीं सेट कर पा रहा था, लेकिन अभी मैं अच्छे से सेट कर लिया हूँ। एक बार दिखाता हूँ मैं आप सभी को, ये देखिए। ये सब तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो मेरा माइक जो था उसको मैं यहाँ पे फिट किया हूँ वाइट वाले टेप से, और अच्छे से चिपक गया है। तो चलिए हम लोग एक बार आम देख लेते हैं है या नहीं है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, मैं अभी आम पेड़ के नीचे हूँ, और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं फला है, पर ये फला है, ऊपर साइड भी है, बहुत सारा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वाले पेड़ में भी है आम, इस साइड और भी अच्छे से हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम है, लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इधर भी है। तो फ्रेंड्स अभी 9:30 बज रहा है यार, और बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ रहा है। यहाँ पे एक भैया हैं हमारे, यहाँ पे इधर पीछे साइड खेत में धान लगा हुआ है, उन्हीं का धान है, तो यहीं पे वो अपना धान का पहरेदारी करते हैं। तो उनको मैं बोला हूँ अभी कि ये जो हमारा आम है उसको भी देखना भैया जी करके, तो हाँ बोले हैं। और अभी इसको 15 से 20 दिन बाद हम लोग तोड़ के ले जाएंगे अचार बनाने के लिए। ठीक ठाक है, ऊपर नीचे साइड का बच्चे लोग कोई कोई आके तोड़ के ले गए हैं, बाकी आम है अभी ऊपर में बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं यहाँ का जो लोकेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोकेशन है। भाई लोग अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आम ठीक ठाक हुआ है और ज़्यादा तो नहीं बचा है, पर बचा हुआ है ऊपर साइड, और मेरे को ये 2 आम मिल गया है ना। एकदम ज़्यादा तो नहीं पका है, पर थोड़ा सा पका पका दिख रहा है, तो इसको मैं अपने घर लेके चलता हूँ। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मतलब यहाँ का जो रोड है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा आगे जाके मिलता हूँ जहाँ पे अच्छा रोड है ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं ठीक ठाक रोड में आ गया हूँ है ना, और आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि अपने को मेरा जो मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है, इसमें जो मैं माइक जो फिट किया हूँ, ये इसमें मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था। और मेरे को हमारा आम का जो बगीचा था उसको भी देखना था, तो मेरा दोनों काम हो गया है ना। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना है ना। तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाना भाई लोग मेरा वीडियो को, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेगा, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग, मतलब मेरा जो व्लॉगिंग है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मतलब किसी प्लेस के ऊपर में रहेगा, एकदम अब नेचुरल जो प्राकृतिक का जो देन है वो सारा चीज़ देखेंगे हम नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।